नंबर्स की फॉर्मेट के अंदर किसी डेटा को इंटरप्ट करना या इंटरप्रिटेशन करना, उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। सादा भाषा में एक चीज ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक्स में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी क्वांटिटेटिव डेटा, बिना नंबर्स के स्टैट नहीं चलती। सेकेंड है कोई इंफॉर्मेशन, कोई रिलेटेबल इंफॉर्मेशन का डेटा। देखो स्टैटिस्टिक्स में जब तक डेटा के साथ इंफॉर्मेशन या फैक्ट और फाइंडिंग फिगर्स ये नहीं जुड़ा होगा, तब तक हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स को दो टुकड़ों में तोड़ा गया है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन। पहले प्लूरल के बारे में, प्लूरल बोला जाता है, प्लूरल बोले क्या? तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन या प्लूरल सेंस? तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल डेटा। तो प्लूरल मतलब न्यूमेरिकल डेटा, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा, दो चीजें हैं। इंफॉर्मेशन नंबर्स के फॉर्मेट में, इसको स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, ओनली नंबर्स इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, बट नंबर्स अटैच विद द इंफॉर्मेशन इज स्टैटिस्टिक्स। जैसे पॉवर्टी का स्टैटिस्टिक्स, अब आपने पॉवर्टी गरीबी का स्टैटिस्टिक निकाल दिया, उसमें गरीबी कैसी है, क्या है, क्यों है, वो सारा का सारा डेटा आपके पास आ गया, वो स्टैटिस्टिक है। मेरी जेब में 1000 रुपए, मतलब अभी तो नहीं है, पर मेरी जेब में अगर 1000 रुपए है तो ये स्टैटिस्टिक्स है, ये सिंपल एक डेटा है, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें कि प्लूरल सेंस में क्या होता है, तो पहली चीज ये एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट होता है, कोई भी एक डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट स्टैटिस्टिक्स डेटा ही होता है, ठीक है। यानी कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट होना जरूरी है, रैंडम नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स का एग्रीगेट एप्रोक्सीमेट, ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स में आती है। सेकंड आता है कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना जरूरी है, आप क्वालिटी को स्टैटिस्टिक्स में नहीं डाल सकते, अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, जो गंदा है, ये साफ है, ये स्टैटिस्टिक्स में नहीं आता, नंबर्स ही आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। थर्ड आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मतलब जो भी आप डेटा निकाल के ला रहे हो ये बहुत सारे फैक्टर्स से बना है। जैसे मैंने बोला कि यार हमारे यहाँ के, हमारी एज के लोगों का 5000 रुपए का बचता है जेब के अंदर हर महीने के एंड तक, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, कमाई, ठीक है, उसके बाद सेविंग, उसके बाद एक्सपेंडिचर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन सारे फैक्टर्स की वजह से एक डेटा बना है। आप किसी एक फैक्टर की वजह से एक डेटा अगर बनाओगे तो फैक्टर जैसे खत्म हुआ डेटा खत्म हो गया। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स का सिंपल रूल है, मल्टीपल कॉजेस से ही अफेक्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट फीचर आता है कि सर ये रीजनेबली एक्यूरेट है, ऐसा नहीं है आप हवा में दे रहे हो, ये एक्यूरेसी की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट आता है मस्ट बी कंपेयरेबल। अगर दो डेटा को मैं पकड़ के लाता हूं, एक है बारिश कितनी आएगी, एक है मेरी जेब में पैसे कितने, इन दोनों डेटा को आपस में कंपेयर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो दोनों एक ही तरीके की स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आ रहे हो। नेक्स्ट आता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अब देखो आप अगर कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। एवरी सिंगल डेटा दैट हैज टू बी कलेक्टेड और उसके पीछे वजह नहीं है तो वो डेटा काम करेगा। तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है स्टैटिस्टिक्स में, तभी हम उस डेटा को काम में ले पाएंगे। तो ये हो गया एज अ प्लूरल सेंस कि भाई स्टैटिस्टिक्स नंबर होते हैं, फैक्ट होते हैं। अब बात करते हैं सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस का मतलब है वो तरीके, जिन तरीकों से हम इस डेटा को यूज करते हैं। भाई डेटा आ तो गया, अब उन तरीकों से हम इस डेटा का क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसके अंदर 5 स्टेजेस आती है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ये आपके आने वाली पूरी किताब है जिसके अंदर अगला ही चैप्टर तुम्हारा कलेक्शन ऑफ डेटा है। फिर हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे सिस्टमैटिक मैनर में, प्रेजेंट करने होंगे ग्राफ के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, फिर एनालाइज करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, और फिर इंटरप्रेट करेंगे कि क्या कंक्लूजन आया और उससे हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल नया मेथड या नई स्ट्रेटेजी बिल्डअप करेंगे कि कैसे सुधारें। इसमें आते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। टूल्स मतलब वो तरीके जिनके थ्रू हम डेटा को
बेहतर कर रहे हैं, जैसे ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट, मीन, मीडियन, मोड, ये सारे वो तरीके हैं, वो टूल्स हैं जिसका यूज करके हम उस डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। अब बात करें स्टैटिस्टिक्स ऐसी है, साइंस है या आर्ट है, भाई कॉमर्स में तो पढ़ी हो, तो स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है क्योंकि ये सिस्टमेटिक मैनर में काम करता है, साइंटिफिक चीजें यूज होती हैं इसके साइड में, मतलब लॉजिकल चीजों के बारे में बात करते हैं, और आर्ट भी है क्योंकि हम इन चीजों का यूज करके रियल लाइफ की प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना, कि भाई अगर पॉवर्टी डेटा खराब आ रहा है तो हम उसको बेहतर करने के लिए ये पॉलिसी लगाएंगे तो रियल लाइफ प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगी। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव भी है और इन्फ्रेंशियल भी है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है ये वो सारे मेथड है जिनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और इन्फ्रेंशियल है जिनके थ्रू हम उस डेटा का कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक में सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता है, कंक्लूजन भी निकाला जाता है। किसका कंक्लूजन? जो डेटा हम पूरी पॉपुलेशन का निकाल के लाए, पूरे यूनिवर्स का निकाल के लाए। एक बात याद रखना, स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स का मतलब होता है वो सभी प्रोबेबल लोग जिनसे आप डेटा निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 12th कॉमर्स का एवरेज मार्क्स आपको निकालना है तो आपके लिए यूनिवर्स क्लास 12th कॉमर्स में मौजूद हर एक बच्चा यूनिवर्स है, और वो सारे बच्चे पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ रहे होंगे, बाकी लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब दो पहलू तो होते हैं, एक अच्छा है तो दूसरा बुरा है, तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? पहला, ये एग्रीगेट्स के बारे में बात करता है, कोई एग्रीगेट नहीं होंगे तो बात ही नहीं करेगा। नेक्स्ट होता है कि न्यूमेरिकली के बारे में बात करता है, नो न्यूमेरिक डेटा कैन बी स्टडीज, अच्छा बुरा बहुत बेहतर बहुत खराब, इसके बारे में बात नहीं करते। अगर आप अलग अलग डेटा के बारे में बात करो तो हेटरोजीनियस डेटा को स्टैटिस्टिक कंपेयर नहीं करते। अपन ने पहले बताया था बारिश का मेरी सैलरी से, इन दोनों का कंपेरिजन नहीं है, तो स्टैटिस्टिक्स में दोनों को एक जगह नहीं रखा जाए, तो हेटरोजीनियस डेटा कभी स्टैटिस्टिक्स में कंपेयर नहीं हो सकता। ये रिजल्ट सही तो देता है पर एक एवरेज की तरह, मतलब इसने बोला एक एवरेज हाइट 5 है, इसका मतलब सबकी हाइट 5 नहीं है, कुछ की 6 भी होगी, कुछ की 4 भी होगी, तो एक एवरेज के रूप में तो सही है पर इंडिविजुअल लेवल पे सही नहीं है। ज्यादातर मिसयूज ही करते हैं इसका, क्योंकि एक्सपर्ट को पता होता है कैसे काम मामला निकालना है, तो वही करते हैं, बाकी सब तो बेवकूफ बन जाते हैं। बात करते हैं जरूरी क्यों है स्टैटिस्टिक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक। पहला, ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम का या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। पॉवर्टी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है नंबर से बताओ, नंबर में कैसे बताओगे, आप स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव डेटा से बैकिंग देता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टोरल या इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन करने में मदद करता है। डरो मत, इंटरसेक्टोरल मतलब अलग अलग सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन, इंटरटेम्पोरल मतलब अलग अलग टाइम के बीच में कंपैरिजन, पिछले साल एग्रीकल्चर कैसा था, इस साल एग्रीकल्चर कैसा है, अगले साल एग्रीकल्चर कैसा होगा, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री का टर्शियरी सेक्टर से, तीनों का आपस में कंपैरिजन से भी है, ये इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि भाई पिछले साल पॉवर्टी इतनी है, इस साल पॉवर्टी इतनी हो गई, क्यों हुई, इसने रीजन दे दिया। पॉलिसी बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, फोरकास्टिंग सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होती है, विदाउट स्टैटिस्टिक्स आप फोरकास्ट कर ही नहीं सकते। और आखिरी, ये इकोनॉमिक मॉडल बनाने में मदद करता है, जैसे ही आप आगे पढ़ोगे तो डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग फंक्शन, ये अलग अलग फंक्शन आप पढ़ोगे, ये कैसे आए हैं, ये स्टैटिस्टिक्स ने ही बना के दिए हैं, इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स के साथ रखते हैं। तो आई होप सो चैप्टर 1 आपको समझ में आ गया हो, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का था बट मजेदार कर दिया अपन ने, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, नोट्स लेना टेलीग्राम पे, अगले चैप्टर कलेक्शन डेटा आ रहा है आपके सामने, टिल देन कीप ऑन वाचिंग।